चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको अपना रूटीन शेयर करेंगे, मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर मैं पहले तो सबसे पहले मैं उठ गई और मैंने नहा लिया, मेरा एक्सरसाइज सब कुछ हो गया और यहाँ मैं टिफ़िन पैक करने के लिए खाना बना रही हूँ। तो हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो यहाँ पर आलू बीन्स टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने दो आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लेंगे और इसकी सब्ज़ी हम कुकर में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी भी बनती है। आप भी प्लीज़ ट्राई करना, तो बहुत टेस्टी भी बनती है ये। तो यहाँ मैंने आलू छील लिए हैं और इसमें बीन्स डाल लेंगे जितनी भी हमें चाहिए। ये थोड़ा सा हम बचा लेंगे मिक्स वेज के लिए, तो ये साइड से रख देंगे। अब इसको धो लेते हैं और मैंने कुकर को चढ़ा दिया है और यहाँ ये सब्ज़ी धोने के बाद इसमें मिर्ची ऐड कर दिए। तो यहाँ पर कुकर गर्म हो गया और मैंने ऑयल डाल दिया 2 टीस्पून बड़े चम्मच, देखिए इतना ऑयल डाला है। अब इसमें हींग डालेंगे और अच्छा गरम हो गया तेल, तो इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा राई डालेंगे और इसमें जिंजर नहीं डालेंगे, ना गार्लिक डालेंगे, ना ही प्याज डालेंगे, बस सिंपल सी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है और हल्दी और कश्मीरी मिर्च और 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसको डाल देंगे और इसको हल्का सा भूनने के बाद फिर पानी डालेंगे। देखिए तेल ज़्यादा नहीं डालना है, देखिए कितना कम तेल डाला है। बस मसाला अच्छे से भून गया तो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। काफ़ी जगह अलग अलग तरह से बनाते हैं, तो आप इस तरह से भी बनाइए तो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको खाने में। और यहाँ सॉल्ट डाल दिया फ्लेम को थोड़ा मीडियम करेंगे और इसको अच्छा भूनने के बाद अब इसमें हमने 1 टमाटर डाल दिया। अब इसमें अपनी सेम और आलू ऐड कर देंगे, तो देखिए ये डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही थोड़ा भूजेंगे और फिर इसमें ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा बाद में ही डालती हूँ इसको। और ये गरम मसाला है होममेड, तो इसको अच्छे से चलाकर और इसको ढक दूंगी, फिर थोड़ी देर बाद इसमें ढक्कन लगा दूंगी जब तक आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ मैंने बॉल ले लिया और इसमें आटा डालेंगे क्योंकि ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है और ब्लॉगिंग भी करना थी आज, तो मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा गूंथ लेंगे, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डालकर इसको जल्दी से गूंथ लेते हैं। तो यहाँ मेरा आटा गूंथ गया है और बस मैंने तवा चढ़ा दिया, जल्दी से रोटी बनाएंगे टिफ़िन के लिए और पराठा नाश्ता में खाकर जाएंगे, तो वो फिर सेकेंगे। तो यहाँ मैंने ये रख लिया, अब यहाँ पर आटा निकाल लिया। सुबह के टाइम में काफ़ी काम रहता है, अभी आशी सो रही है तो बस जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेते हैं, बस थोड़ी देर में वो भी उठ जाएगी। और इनको ऑफिस जाना होता है 8:30 पे, तो उस समय टिफ़िन पैक करना होता है। और दही सैलेड और दाल वगैरह ये ऑफिस में ही ले लेते हैं, तो यहाँ से रोटी और सब्ज़ी लेके जाते हैं। तो 2 रोटी खाते हैं, 4 रखती हूँ, तो 2 मछलियों को खिला देते हैं, कभी डॉग आ जाते हैं कभी मछली टर्टल, तो वो खा लेते हैं। तो बस रोटी बन जाएगी तब मैं पराठा बनाऊँगी। अब बस रोटी बन गई है, मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, तो इनको नाश्ता भी दे देती हूँ, तो ये पराठा बना देती हूँ जल्दी से। सुबह कितना कितना जल्दी भी करो, थोड़ा फास्ट और भी फास्ट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं पराठा को बनाती हूँ और देखिए मेरी सब्ज़ी भी रेडी है, तो यहाँ देखिए इस तरह से बनी हुई है। और कुकर का ढक्कन खोलने के बाद ना 2 मिनट आप गैस पर स्लो फ्लेम पर रख दीजिए तो और अच्छी हो जाती है सब्ज़ी, उसमें जो भी मॉइस्चराइज़र रहता है, पानी वगैरह रहता है, वो सब दूर हो जाता है। और यहाँ मैं पराठा सेक रही हूँ, तो फ्रेंड्स बताना ज़रूर कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और यहाँ वैद्य ही आ गई हैं, ये उठ गई है, देखिए पराठा सिक गया, तो जल्दी इसमें प्लेटिंग कर देती हूँ। इस तरह से आप भी सब्ज़ी बनाइए, आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी और गरम गरम पराठा के साथ खाइए, आप भी खा लीजिए दोस्तों।
ब्रेकफास्ट आप भी कर लीजिए सुबह, और उसके बाद मेरा किचन का हो गया। हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद अब मैं पूजा कर लेती हूँ जल्दी से, तो यहाँ मैं दीपक जला देती हूँ। भगवान जी को तो नहला दिया था इन्होंने, और बस दिया करना था और बिलपत्र चढ़ानी थी प्रसाद, तो मैं कर देती हूँ। वैद्य खेल रही है जब तक, तो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ सब कुछ। और आप सोच रहे होंगे मैंने ये सिर पर रखा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी सासू माँ देखती हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं सिर पर रखती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है मेरा। उनको अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे वीडियो मेरे ससुराल में भी देखेंगे तो। और ये हाँ, मैंने ये बिलपत्र ले लिया, तो शंकर जी को ये चढ़ा देते हैं। ये नीचे ही पेड़ लगा हुआ है, तो ये सुबह वॉक करने जाते हैं तो तभी लेके आ जाते हैं, तो ये जल्दी जल्दी से 5 बिलपत्र लाते हैं तो 5 चढ़ा देते हैं। ये देखिए वैदेही की बात ही बन रही है, और ये यहाँ पर खेल रही है जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ थोड़ा सा। सुबह सुबह तो इतना टाइम मिलता नहीं है, तो बस अब जल्दी से ये सब लगा लेती हूँ, फिर आपसे भी थोड़ा बात कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो में अभी तक मैंने बात ही नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 1 दिसंबर, तो मैं आज से अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो आज ये मॉर्निंग रूटीन है, तो इसके पहले मैंने आपको कुकिंग दिखाया और पूजा, और अब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर मेड आ जाएगी, तो उसके लिए क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैं अपनी क्लीनिंग मंदिर से स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ वैदेही की फुलझड़ी रखी है, तो उसको रोज़ जलाना होती है, तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ही फैलता है, ज़्यादा नहीं। अब मैं बेडरूम में जा रही हूँ, तो वहाँ पर कर दूँगी क्लीनिंग क्योंकि आशी भी उठ गई है अभी सो के, तो जब वो उठ जाती है तभी बेड को क्लीन करती हूँ, और कभी कभी पहले भी कर लेती हूँ। और आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं झाड़ू पोछा भी पहले ही कर लेती हूँ, तो मेड भी आ जाएगी तो बस वो कर लेगी। ये भी छुट्टियाँ कर जाती हैं क्योंकि बीच बीच में, तो बस अब जल्दी से ये क्लीन करके यहाँ से विंडो के पर्दे भी हटा देंगे। काफ़ी अच्छी हवा आती है, और आज मौसम तो काफ़ी अच्छा भी है, तो अभी थोड़ी देर में हम आपको बाहर जाएंगे तो मौसम भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए वैदेही क्या कर रही है, अभी मेरी नज़र इस पर पड़ी ही नहीं क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो ये अपने लिए लिपस्टिक लेके आई है और यहाँ मिरर लिए हुए, अभी मैंने उसको देखा नहीं। अभी देखना, देख के कैसा लगेगा आपको भी। देखिए मेरी नज़र पड़ गई इधर इस पर, इसने मुंह में क्या लगाया है, क्लीनिंग करने लगी। मैं आपको भी दिखाती हूँ, लिपस्टिक लगा लिया, तो बस यहाँ बेडरूम में भी हो गया। मुझे डेली 1 घंटा तो लग ही जाता है पूरा रूम साफ़ करने में, आगे सब जगह साफ़ करने में 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो बस यहाँ पर वैदेही के कपड़े रख देती हूँ, ये अंदर ही सुखाती हूँ इसके कपड़े तो। और अभी आज मौसम भी सही नहीं है तो बाहर नहीं डालते हैं, और कभी कभी डाल देते हैं जब धूप अच्छी होती तो बाहर कर लेते हैं। यहाँ डाइनिंग पर देखिए कितना सारा फैल जाता है, और यहाँ ये मेकअप कर रही थी और यहाँ कपड़े चेंज किए तो यहीं पे छोड़ दिया, तो बस ये क्लीन कर देते हैं यहाँ डाइनिंग को। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, वैसे यहाँ ठंड तो नहीं है, मौसम अच्छा है लेकिन। और ये मिल्क लेके आए थे तो वो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो फट जाएगा, तो ये यहाँ पर पैकेट वाला ही मंगवाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये वाला। और देखिए इसने ये लिपस्टिक लगाई हुई थी तो मुझसे क्लीन नहीं करवाई, तो कह रही मैं करूँगी, तो ये क्लीन कर रही है। देखो मैं इसको बता रही हूँ, थोड़ा सा टिशू पर क्रीम लगा दिया, थोड़ा से अच्छे से साफ़ हो जाएगा, नहीं तो लिप्स फट नहीं जाते तो वैसे हो जाएंगे। अब ये देखिए देखने आई है अपने लिप्स, देखिए कितने क्लीन हो गए हैं, हल्का सा क्रीम लगा के टिशू पर और उसे साफ़ कर दिया। अब ये बस आगे की क्लीनिंग करना है तो बस वो कर लेते हैं। और बताना फ्रेंड्स कि मेरा ये पहला वीडियो मॉर्निंग रूटीन का कैसा लगा आपको, और पसंद आएगा तो मैं और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। वैदेही भी यहाँ देखिए इसका सामान रखा हुआ है, खेल रही है, यहाँ भी इसकी करके रखा है, यहाँ भी टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, फैलाती किचन का काफ़ी सामान लेके आती है, तो यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ डालती है, बस इसमें ही सुबह। इसलिए मैं रात जब होती है तब मैं पूरी घर की क्लीनिंग करके फिर सोती हूँ, जिससे मुझे मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो।
और यहाँ ये बैठी हुई है। मैंने इसके कपड़े धुलने डाल दिए तो ये बोल रही नहीं मुझे डालना है। तो यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो इसको निकाल के दिया, फिर इसने ये डाला। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो मेरा रूटीन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो भी अच्छा अपलोड करेंगे तो वो भी आप ज़रूर देखना। और देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है आज, देखिए बाहर का मौसम आज काफ़ी अच्छा है, आज धूप भी नहीं निकली है। तो अभी हो रहा है 10 बज गए हैं, तो 10 बजे का टाइम है ये। तो आज ठंडी तो नहीं है यहाँ, ठंड तो नहीं होती है, बट मौसम अच्छा है।